अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैनी ब्रेव म्यूज़िक अकेडमी जानेब से आपको बताती हूँ। हमने आपको पिछले लेसन में 16 बीट को यूज़ करना बताया था कि 16 बीट को आप कैसे काउंट करते हैं और उसका तरीका गायक क्या होता है। अगर आप पास कोई रिदम नहीं है तो अपने हाथ से भी आप इसे कर सकते हैं ताकि आपको रिदम का आइडिया हो जाए। रिदम का आइडिया हो जाएगा, फिर नोट्स का आइडिया हो जाएगा, फिर डिवाइड करके इसको आप गाना भी बजा सकते हैं, कोई पैटर्न भी जा सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन रिदम का समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम 16 बीट की तरफ आते हैं कि हमने क्या किया था उस वक्त। लास्ट लेसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हमने पैटर्न याद कराया था, हासिल था कि आप याद करें और अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। आज हम आपको उसके अलावा एक और चीज़ बताते हैं, नंबर टू बताते हैं कि नोटों का पैटर्न क्या रहेगा। और उसमें बहुत आसान है कि आप इसको डिवाइड करते हैं। अब हमको 16 को डिवाइड करेंगे हम 4 पे, फिर हम करेंगे 8 पे, फिर हम करेंगे 12 पे, फिर हम करेंगे 16 पे। इस तरह हम काम करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 4 तक का काम करते हैं। अब देखें, क्योंकि लिखा हुआ भी है सामने, नज़र आ रहा है आपको, तो हम कैसे याद करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 पे भी क्लैप होगी और 3 पे भी क्लैप होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको याद करेंगे सर आप। जब ये याद कर लेंगे और आपको याद हो जाएगा तो इसका एक ही पैटर्न और भी आता है, बहुत सिंपल है। उसमें आप एक मरतब बजाएंगे और 4 मरतब काउंट करेंगे, नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको उदाहरण के ये सेकंड पैटर्न है रिदम का, जो आपकी आसानी के लिए बताया गया था कि आप इसको याद करें और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको आएगा रिदम का। तो इसको दोबारा याद कर लेते हैं, एक मरतबा कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेकंड 1 2 3 4 1 2 3 4। थैंक यू वेरी मच। असम।